और बुलेटिन में आगे एक मिनट में आपको पूरी खबर दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि रेगिस्तान कैसे पानी पानी हो गया, बिहार के औरंगाबाद में ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को उल्टे पैर भागना पड़ा, खिलौने की तरह कहां पिचक गई 7 गाड़ियां, और पटना में स्वास्थ्य विभाग कैसे राम भरोसे, ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, सऊदी अरब के जेदा में भयंकर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया है कि पूरा शहर जलमग्न हो चुका है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, हर तरफ जल प्रलय से हाल बेहद खराब है, गाड़ियां तिनकों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं, पानी का ये बेहद डरावने वाला रूप हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जल प्रलय के हालातों को देखते हुए जेद्दा में स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं जिसका वजन अच्छा खासा है वो पानी में तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही, और ये पूरे शहर भर का हाल है, और यही वजह है कि जो फ्लाइट्स वगैरह हैं ये सब कुछ इस वक्त रोक दी गई है, यातायात पूरी तरह से ठप है, लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि घरों तक में पानी घुसने लगा है, ये जल प्रलय की खौफनाक तस्वीर सऊदी अरब के जेद्दा से सामने आई है। आसमानी आफत कैसे लोगों पर कहर बन के टूट रही है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और कई शहर ऐसे हैं जो कि इस वक्त इसी तरह की मार झेल रहे हैं, बारिश के रौद्र रूप को वो देख रहे हैं।